एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए टी बाई 5 इक्वल 10, टी बटे 5 बराबर 10, यही ना। कभी भी अगर इक्वल के इस साइड ऐसे क्वेश्चन दिए हो सॉल्व करना और इक्वल के इस साइड में डिवाइड में हो और अगर इक्वल के उस साइड ले जाए, कभी भी कोई भी नंबर हो अगर इक्वल के इस साइड और डिवाइड में है तो इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। देखिए t बाई 5 है ना, यानी 5 किस में है, भाग में है, बटे में है। अगर कोई भी चीज बटे में होगी उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, यानी t बराबर हो जाएगा 10 और ये उधर जाएगी तो इंटू 5 हो गया, यानी t बराबर हो जाएगा 10 बचे 50। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया? सेम ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। पहले आप देखिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा याद रखिएगा कि यक्स यक्स लिख लीजिए, इक्वल इक्वल 18 है, 18 यक्स बराबर 18 हो गया, ठीक है। अब जो नीचे होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। अब 5 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ही करना, 2 दोनों 18 है, 2 1 2 2 9 18, तो यक्स इक्वल हो गया 9 × 3 मींस यक्स इक्वल 9 × 27 9 × 3 27, तो ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। समझ आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमने हमेशा कहा है ये जान लो अपान में 1 है, तो अगर ऐसा कभी दिया गया हो तो ये जान लो क्या है, अपान में 1 है। जहां कुछ नहीं होता वहां अपान में 1 होता है। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसका करेंगे, यानी यहां पे हो जाएगा 1 × y इक्वल, अब इसका इसका कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, यानी 1 × 5 × 1 × 6, तो y बन जाएगा y इक्वल। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करिए दोनों को, देखते हैं क्या आता है। तो यहां हो जाएगा 1.5 × 1.6, 6 × 5 = 30, कैरी 3 6 × 1 = 6 3 9, ये हो गया, फिर इनटू 1 × 5 = 5 1 × 1, ये 0 हो गया, 9 × 5 = 14, कैरी 1 1 1 2। अब कैरी देखिए डेसिमल, अगर डेसिमल वाले को कभी भी डेसिमल में कोई भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे, यहाँ कितने डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे, तो 1 1 2 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2.40, ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें हो जाएगा देखिए, अब हमें हमेशा याद रखेंगे मैंने क्या कहा था, इक्वल की साइड अगर कोई भी नंबर है माइनस में है तो इक्वल की उस साइड ले जाएगा, किस में जाएगा, वो प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 7x इक्वल इक्वल 16, ये माइनस 9 कर ले जाइए तो प्लस 9 हो गया, यानी 7x इक्वल हो गया 16 प्लस 9 करिए 25, यानी x इक्वल हो गया 25। अब मैंने कहा था कि जहां जिस अगर कभी भी नंबर कोई लिखा हुआ है उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या किस चीज की साइन होगी, मल्टीप्लाई की साइन होगी, यहाँ पे कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। अब इसको उधर ले जाओगे किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसे सेम ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए 14y लिख दिया इक्वल इक्वल 13 13, इधर कोई भी नंबर अगर माइनस में होगा उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो अब ये किस में जाएगा, उधर प्लस में जाएगा, यानी 14y इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 8 करिए तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 8 21, तो y इक्वल हो गया 21। अब इधर को नंबर कोई भी लिखा होगा उधर जाएगा तो अगर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, मीन्स 14 इसमें है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा अपॉन 14 हो जाएगा। अब 21 अपॉन 14 है, चलिए काट लेते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएगा y = 3/2,
ये होगा कि आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 17 प्लस 6p इक्वल 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6p। यानी वेरिएबल वाले को इस साइड रखिएगा, नंबर उधर ही करिए, हमेशा याद रखिए वेरिएबल को ही इधर रखिए। जो भी जिसके साथ वेरिएबल मतलब हो गया यस वाई, यस से लेके यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच डॉट डॉट जेड तक जो भी नंबर मतलब जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो और नंबर नंबर का मतलब होता है 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जो भी होते हैं वो सारे नंबर होते हैं, और नंबर के साथ वेरिएबल ना हो तो जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 6p इक्वल 9। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स किसका साइन है, प्लस का साइन है। मैंने कहा था जहाँ कोई साइन नहीं होती है वहां पर साइन हाइड होती है, प्लस की साइन हाइड होती है। तो यहाँ पे जान लो कोई भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो ये उधर ले जाओगे किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। 17 हो गया, यानी 6p इक्वल। अब देखिए 17 और 9 है, यहाँ पर प्लस का साइन है जहाँ कोई साइन नहीं होता, मैंने बताया प्लस का साइन है जहाँ, और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। साइन हमेशा किसकी लिखी जाती है, जो बड़ा होता है। तो बताइए 17 ज्यादा होता है या 9? 17 ज्यादा होता है, तो 17 में से 9 को माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। अब बताइए बड़ा कौन है, 17 या 9? 17, तो साइन कौन सी लगेगी, तो 17 के सामने है, 17 के सामने कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। यानी p इक्वल हो गया -8, और ये 6 इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी अपॉन 6 हो जाएगा। तो 2 4 8 2 3 6, मींस p इक्वल आ गया -4/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका x/3 + 1 = 7/15। ये हो गया, चलिए करते हैं इसको। हमने कहा वेरिएबल वाले को इधर रखना है, नंबर वाले को उस साइड लेना है, यानी x by 3 इक्वल के नीचे इक्वल लिखिए, 7 है 7 अपॉन 15 है 15, इधर प्लस में वाला है, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मींस यस अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 15 है एलसीएम ले लीजिए, तो 7 माइनस। जब कभी भी जान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हो उसके नीचे कुछ भी ना हो और एलसीएम ले रहे हैं, किसका इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जो भी एलसीएम लिया होगा उसका मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करेंगे, 15 हो जाएगा यहाँ पर, यानी यस अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 7 करिए, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 7 को माइनस करिए, कितना आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा, साइन कौन सी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस की क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस के सामने बड़ी गिनती लिखी हुई है, इस वजह से साइन कौन सा लेंगे, माइनस लेंगे, अपॉन 15 हो जाएगा। अब यस एक्स इक्वल इक्वल, मैंने कहा था जो भी नीचे होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, अब जो भी नीचे होगा वो इक्वल के उस साइड जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब -8 × 3 अपॉन 15, 3 बन जा 3 3 5 15, यानी यस इक्वल आ गया -8/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 हुई कंप्लीट। अब हम लोग कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, और आपका होमवर्क है कि एक बार आप इसे फिर से सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ते रहिए।